नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। आज सागर जिले के राहतगढ़ में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए। नगर के ब्लॉक कॉलोनी स्थित जनपद पंचायत प्रांगण में राहतगढ़ तहसील अंतर्गत 14,88,66,288 रुपये किसानों के खाते में डाले गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के वायरल वीडियो पर कहा, जवान फिसल जाती है, उपचुनाव में हम सारी सीटें जीतेंगे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। का लाभ 2019 का प्रदान किए जाने के लिए आज 4,688 करोड़ राशि का प्रथम किस्त के माध्यम से हमारे प्रदेश के माननीय पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल साहब पधारे हैं एवं बीमा राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आभार हो सर। आज क्या कार्यक्रम था? पधारे मंत्री महोदय का आभार वन क्लिक के माध्यम से कितने के योजना का लाभ मिला है किसानों के लिए? तो जिन जिन को सरकार द्वारा निरीक्षण किया गया और जिन जिन को नुकसान हुआ होगा उनको सबको मिलना भी है और आज भी दिया जा रहा है। 2019 का 40 विभाग के आप मंत्री हैं लेकिन क्षेत्र में पशुओं को कुछ बीमारी फैली हुई है, हमारे क्षेत्र में ना कोई कभी भी। देखो मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, जहाँ जहाँ भी रिपोर्ट आई है मैंने तत्काल आदेश दिया है और मतलब उनको देखने के लिए और देख के आकर मुझे रिपोर्ट भी बताई है। ऐसी कोई बीमारी के नाम आया है, बीमारी के लिए भी हम लोगों ने जो गले के बीच में जो बीमारी है उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। डॉक्टर की कमी तो है फिलहाल, डॉक्टरों की कमी है हमारे क्षेत्र में, डॉक्टरों की तो हर प्रदेश में कमी है, हम लोग उसकी भी व्यवस्था करवाएंगे। सर पशुओं से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और उनकी भी जाने जा रही, लोगों की भी जा रही, तो उसके लिए मेरी बहुत ज्यादा चिंता है और मैंने सभी कलेक्टरों को आदेशित किया है कि जो जिस प्रकार से गौ माता रोड पे बैठती है उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि गौशाला और भी खुलवाकर गौ माता ऐसी फालतू नहीं घूमे, इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी की स्टाइल में कोई मतलब बनेगा यहाँ कानून? यूपी में जैसा हुआ है गऊ, मतलब क्या जो कानून बना है यूपी में, हम लोग भी बनाना चाहते हैं कि कानून बने तो हमारी गौ माता बच सकती है। सर भाजपा की पूर्व विधायक क्षेत्र से कांग्रेस चली गई, क्या कहना चाहेंगे संबंध में? हम लोग पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे जितनी भी है, क्योंकि सब लोग त्रास कांग्रेस को त्रास थे, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 15 माह में क्या हालत थी, जो योजनाएं सभी योजना बंद कर दी थी और उसी मुख्यमंत्री ने उसके क्षेत्र में ले जाकर ये काम किया है। जो पशुपालन है विभाग उसमें भी कोई बिल्डिंग आए थे तो 15 बिल्डिंग आए तो 15 में से 10 बिल्डिंग वो लेगा और 5 बिल्डिंग मध्य प्रदेश में रखी, ऐसा काम कर रहा था। इसलिए मतलब मंत्री जी ने सभी ने मिलकर इस सरकार को गिराई है, तो सरकार थोड़ी गिरती, सरकार तो अच्छी चल नहीं रही थी इसलिए तो सरकार गिरी है। सर इमरती देवी जी का बयान वायरल हो रहा है, कलेक्टर हमें सीट दिलाएंगे, क्या कहेंगे? इमरती देवी का बयान आया है कि कलेक्टर जिस कलेक्टर को फोन लगाएंगे वो सीट जिता देंगे, ऐसा कोई होता क्या? जनता जीता दी कलेक्टर को, केड़े से कोई जिताएंगे क्या? उसका वीडियो वायरल तो हुआ है इमरती देवी। देखो मायर और बोलने में कोई अंतर हो जाता है, कभी कभी जबान खिसक जाती है, बोल देते हैं ये देने वाले हैं और ये करने वाले हैं, इनको सबको मालूम है 15 महीने में हम लोगों को क्या मिला और क्या नहीं दिया, क्या दिया और क्या नहीं मिला। ज्यादा हो रही है आज पूरे प्रदेश में, मेरे हमारे जिले में बुरहानपुर से लगाकर बुरहानपुर से अमीरपुर 17 आदिवासी